पहले तो मैंने विश्वास नहीं किया कि यार ऐसा कोई काम हुआ है, क्योंकि मेरे को हैरानगी हुई कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। क्योंकि आपने भी न्यूज़ के अंदर वो खबर सुनी होगी कि मतलब जैन लोगों ने इतना पैसा खर्च करके मतलब बकरों को बचाया। तो एक ऐसा ही काम हुआ है हमारे दिल्ली शहर के अंदर, जहाँ पर मतलब जो जैन लोग होते हैं, जैन समाज, उन्होंने 11 लाख रुपए खर्च करके 124 बकरे खरीदे। मतलब आपको पता है बकरी का त्यौहार चल रहा है, और इस त्यौहार के अंदर बकरे की मतलब बलि दी जाती है, और मतलब और इस त्यौहार के अंदर बकरे भी काफ़ी महंगे बिकते हैं, क्योंकि हर किसी ने ये वाला फेस्टिवल मनाना है जो मुसलमान लोग हैं। और जैसे कि आपको पता है, जैन कम्युनिटी ने देखा कि ये सिस्टम चल रहा है तो बकरों की कुर्बानी दी जाती है, तो इन्होंने मतलब अपने थोड़ा सा भेस बदल कर दिल्ली के किसी मार्केट के अंदर गए, वहाँ पर जाके जहाँ पर बकरे वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर इन्होंने 124 बकरे जितने थे सारे के सारे बकरे खरीद लिए, 11 11 या मतलब 15 लाख के बीच। क्योंकि सोशल मीडिया पर कहीं पर 11 लाख बता रहे हैं और कहीं पर 15 लाख रुपये बता रहे हैं, एग्जैक्ट रेशो मतलब ज़्यादातर तो 15 लाख ही बता रहे हैं। मतलब 15 लाख रुपये खर्च किया गया और इन बकरों को बाद में खरीदा गया। तो आप ये सोच लो कि 15 लाख रुपये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मतलब 15 लाख रुपए खर्च करके वो भी जानवरों को बचाना मतलब काटने से, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जब ऐसी बातें सुनने सुनते हैं तो यार काफी खुशी होती है कि यार मतलब कमाल के लोग हैं यार, इतना बड़ा जिगरा कहाँ से लेकर आते हैं। वैसे हमारे भारत देश के अंदर जैन समाज की वैसे ही बहुत ज्यादा इज्जत है, क्योंकि ये हर काम बड़े परफेक्ट तरीके से और बड़े साफ सुथरे तरीके से करते हैं, चाहे कमाई थोड़ी कम हो लेकिन काम अच्छा करते हैं। तो दिल से सल्यूट है, बहुत अच्छा काम किया। और मैं बस यही दुआ करता हूँ लोगों की ऐसी सोच बनी रहे जानवरों के प्रति, क्योंकि जैसे हम इंसान हैं, हमको एक सुई भी लग जाए तो हमको फील होती है, तो उसी तरह आप एक जानवर को भी लेके चले, क्योंकि जानवर के अंदर भी एक जान है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप नीचे वाला बटन दबा दें सब्सक्राइबर, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर वाला फॉलो वाला बटन दबा दें। तो मैं दोनों क्लियर कर रहा हूँ, सब्सक्राइब या फॉलो प्लीज़ जरूर कर देना दोस्तों।